नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल, कांग्रेस ने साधा आरएसएस पर निशाना। गुजरात के पूर्व सीएम की बेटी और पूर्व गृह मंत्री के बेटे थापा, आपका हाथ, दलित लेखक भी पार्टी में शामिल। भाजपा संघ गठबंधन को लेकर अशोक चौहान के दावे पर पवार बोले, एनसीपी के प्रस्ताव मिलता तो मुझे पता होता। गुजरात के खेड़ा में बवाल, नवरात्रि के दौरान आरिफ जाहिर गैंग ने किया पथराव, कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। सीडीएस को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवानों का सिक्योरिटी कवर मिलेगा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा को दी श्रद्धांजलि, ट्विटर पर एक भाषण भी नहीं किया शेयर। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अनुच्छेद 317 को निरस्त करने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई अब भी जारी। अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर, वैष्णो देवी मंदिर में किए पूजा अर्चना, एसटी दर्जे का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में 3 दिनों तक सील रहेगी मधुबनी जिले की लगी भारत नेपाल सीमा, थानों को किया गया अलर्ट। नेपाल भाग सकता है गैंगस्टर, सीएम भागवत मान बोले, लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, सब इंस्पेक्टर 4 दिन के रिमांड पर। खड़गे को बहस की चुनौती देकर थारूर पलटे, कहा हमारे बीच कोई वैचारिक मतभेद नहीं, हमें भाजपा से लड़ना है, आपस में नहीं। जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की गला रेतकर हत्या, घर में शव को जलाने की कोशिश, हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। दशहरा पर केसीआर अपनी राष्ट्रीय पार्टी के नाम की कर सकते हैं घोषणा, टीआरएस बोली स्वदेशियों को एक मजबूत मंच की तलाश। आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा प्रशांत किशोर की पटकथा समझने के लिए रॉकेट साइंस को समझने की जरूरत। पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए सख्त निर्देश। बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या, पिता के सामने कनपटी पर किया फायर, खेत की रखवाली करने गया था। कानपुर में मुंडा से लौटती कार नहर में गिरी, पुल तोड़कर पानी में बह गई कार, रात के अंधेरे में ग्रामीणों ने बचाई 3 जाने। नवरात्रि पर सिद्धिदात्री मां की पूजा, लखनऊ के मंदिरों में भक्तों का भीड़, मरी माता मंदिर में सुबह पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ में खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, एक की मौत, 14 लोग घायल। सीएम योगी ने कन्याओं के पांव धोए, नवमी पर चुन्नी उड़ाई और खुद परोसकर भोजन कराया, उपहार भी देकर की विदाई।
ट्रैक्टर ट्राली में सवारियां ढोई तो कटेगा चालान, 2 से 12 अक्टूबर तक चल रहा है विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह। बिजनौर में पलटी उत्तराखंड परिवहन निगम की बस, 6 लोग घायल, यात्री बोले फोन पर लगा था चालक। बलिया में पूजा पंडाल अग्नि सुरक्षा मानक फेल, सभी को दिया गया नोटिस। जिले में 362 व नगर में 17 बड़े पंडाल। जौनपुर में 48 घंटे से धरने पर बैठी गर्भवती पत्नी, धोखेबाज पति व चौखट पर कर रही इंतजार, ससुराल वाले फरार। गाजियाबाद में इनामी बदमाश चीता गिरफ्तार, 9 मई को कलेक्शन एजेंट के से लूटे थे 6,78,000 रुपए। भदोही दुर्गा पूजा कांड में मृतकों की संख्या 6 हुई, मरीजों के इलाज जारी है, अभी और भी कई मरीज नाजुक हालात में। मेरठ के इंटरनेशनल मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, मोबाइल के पार्टनर्स अलग करते थे सप्लाई। जौनपुर में एक भी ट्राली का नहीं रजिस्ट्रेशन, कानपुर में हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन। सपा एमएलए ताहिर खान के खिलाफ दोहरी मुसीबत, प्रतिबंध के बावजूद पुलिस पशु बाजार चलाने पर निरस्त होगा लाइसेंस। देवरिया में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहा प्रधानाध्यापक बर्खास्त, दर्ज होगी एफआईआर। गाजीपुर में डीएम और एसपी ने देर रात किया पैदल गश्त, दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा का लिया जायजा। कानपुर ट्रैक्टर हादसे के बाद भी रायबरेली पुलिस प्रशासन सुस्त, 50 लोगों को ट्राली में बैठाकर सड़क पर दौड़ रहा था ट्रैक्टर। बिजनौर में दशहरे को लेकर दिखा भाईचारा, मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। मेरठ में गन्ने का रेट 600 रुपए क्विंटल मांगा पश्चिम उत्तर प्रदेश मुक्ति, अलग अलग जिलों में रेट बढ़ाने को लेकर करेगा आंदोलन। बुलंदशहर में जम्मू तवी एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतरी, 1.5 घंटे तक दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग रहा बाधित। इटावा में किसानों का ऐलान, त्यौहार धरना स्थल पर मनाएंगे, सूत मिल के खिलाफ 17 दिन से जारी है किसानों का धरना। महाराजगंज में कार चालक की चाकू से गोदकर हत्या, गोरखपुर में बुक कर लौटावा लाए थे कार हथियारों का नहीं लगा सुराग। आगरा के पिनाहट में दुर्गा पंडाल में व्यक्ति की मौत, नाश्ते नाश्ते अचानक गिरा, लोग समझते रहे माता को माथा टेक रहा है। मिर्जापुर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की मौत, विद्याचल नवरात्रि मेला में लगाई थी ड्यूटी, अचानक बॉडी में होने लगा था दर्द। हापुड़ में बुधवार को होगा रावण दहन, 11 स्थानों पर ड्रोन से की जाएगी निगरानी, 4 जोन में 1500 जवान तैनात। अंबेडकर नगर में पुलिस टीम को मिली है बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
बलिया में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का तालिबानी फरमान, स्वास्थ्य विभाग की खबर करने पर पत्रकार पर लगाई गई रोक। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान, गोला विधानसभा सीट से 3 नवंबर को होगा मतदान। सीतापुर मजदूरों की शर्त के आगे झुका मिल प्रशासन, मिल प्रशासन ने मजदूरों की शर्त मानकर मुआवजा देने की बात कही। उत्तराखंड में नवमी पर सीएम पुष्कर धामी ने मनाई कन्या पूजन, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का किया आशीर्वाद। उत्तराखंड में पिछले 10 दिन से केदारनाथ धाम के पास 2 बार टूटा हिमखंड, कारण जानने के लिए पहुंचे वैज्ञानिक। यूपीएसएससी के पेपर लीक मामले में हाकम को अवैध रिजॉर्ट पर गरजने पहुंचा बुलडोजर, तो ग्रामीण खुद निकलवाने लगे छत। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री चीन सीमा पर सैनिकों के साथ मनाएंगे दशहरा, करेंगे अग्रिम चौकियों का निरीक्षण। उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा को मिली बड़ी सफलता, निर्दलीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने थामा भाजपा का दामन। उत्तराखंड में हरीश रावत ने साझा किया अपने विचार, उत्तराखंड के विश्राम करना चाहते हैं दिल्ली से प्रस्थान। उत्तराखंड में दशहरे के दिन देहरादून से 2 गांवों में होगा गगली युद्ध, वर्षों से चली आ रही है यह अनूठी परंपरा। चमोली में भगवान शिव के साथ होगी रावण की पूजा, दशहरे पर नहीं चलाया जाता है लंकापति का पुतला। उत्तराखंड के देहरादून में हल्के बादलों के बीच निकला सूरज, सुबह शाम अब होने लगा है ठंड का एहसास। अंकिता हत्याकांड पर एडिशनल डीजीपी बोले, हत्या के कारणों से उठा पर्दा, आरोपियों के विरुद्ध है पर्याप्त सबूत। उत्तराखंड में तापमान के उतार चढ़ाव के साथ बढ़ घट रहा है डेंगू, भाजपा नेत्री की मौत। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार पर आई दरारों के उपचार में जुटा एसएसआई, फिट की क्लास, टाइल्स की छड़। उत्तराखंड पुलिस की हिरासत से भागे युवक ने गंगा में लगाई छलांग, थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला पर गिरी गाज। साइकिल से दुनिया नापने निकले उत्तराखंड के प्रतीप राणा, 24 साल की उम्र में कर चुके हैं 14 देशों की यात्रा। उत्तराखंड में चीन सीमा पर दरमा घाटी में सीजन का 3रा हिमपात, बिछी बर्फ की सफेद चादर। यूक्रेन की ओर बढ़ रहा है रूसी परमाणु हथियारों से लैस काफिला, मौत की ट्रेन, देख दहशत में दुनिया। रूस ने नाटो बॉर्डर के पास दागी परमाणु मिसाइलें, क्या सच में होने वाली है पुतिन की धमकियां।
कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों का हुआ अपहरण, 8 महीने की बच्ची भी शामिल। पाक सरकार के खिलाफ हकीकी आजादी मार्च निकालेंगे इमरान खान, पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश। सऊदी अरब के क्राउन और पीएम मोहम्मद बिन सलमान ने कोर्ट के पत्रकार मर्डर केस में छूट का किया दावा। नॉर्थ कोरिया ने जापान की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 5 साल बाद जापान के ऊपर से गुजरी कोरियाई मिसाइल। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी स्कूलों पर पुलिस की रेड, नाबालिग लड़कियां तक गिरफ्तार, 9 विदेशी भी अरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने CNN के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, चैनल पर लगाए झूठे आरोप में शामिल होने का आरोप। ब्राजील में बोलसोनारो के बने रहने के संकेत, लोगों का दक्षिण पंथ की ओर झुकाव बरकरार। नोबेल पुरस्कारों का ऐलान शुरू, मेडिसिन प्राइज 2022 स्वीडन के सवंते पावो को, 7 अक्टूबर को शांति पुरस्कार का ऐलान। अडानी और मास्क ने गवाए 2.0 लाख करोड़, टेस्ला और अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में गिरावट के कारण घटी संपत्ति। प्रोसेस एनवी के बिलडेस्क के अधिग्रहण को किया रद्द, पेयू अब नहीं खरीदेगी बिलडेस्क। लॉन्च हुआ मोटोरोला का Z72 स्मार्टफोन, 108 MP अल्ट्रासाउंड पिक्सल कैमरा और 6.55 इंच की कुल HD स्क्रीन मिलेगी। 13 अरब डॉलर की पीएम गतिशील मिशन से चीन से उद्योग खींचेगा भारत, नवनिर्माण का केंद्र बनेगा। SBI ने कहा कि मोद रेवड़ियां टाइम बम, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा अंकुश, महंगे पड़ेंगे ऐसे वादे। IPO से आय की हेराफेरी में 10 कंपनियों पर 3.42 करोड़ का जुर्माना, सेबी ने की कार्रवाई। सिंगापुर की फोन पे अब बनी भारत की कंपनी, 3 स्टेप में पूरा हुआ प्रोसेस, IPO लाने की तैयारी। सितंबर में भारत का निर्यात 3.52% घटा, आयात 5.44% बढ़ा, जाने कितना रहा एक्सपोर्ट। सट्टेबाजों के विज्ञापन ना चलाएं टीवी OTT प्लेटफॉर्म, सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी, सेंसेक्स 1200 पॉइंट उछला, निफ्टी 360 अंक चढ़ा, प्राइवेट बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा बढ़े। जोधपुर में दिखा शेन वॉटसन और पठान ब्रदर्स का आजसी अंदाज, भीलवाड़ा किंग्स को LLC के फाइनल में पहुंचाया। महिला T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हुआ ऐलान, 12 फरवरी को पाकिस्तान में भिड़ेंगी टीम इंडिया। वसीम जाफर का बयान, कहा जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका।
डेविड मिलर ने नवाज शतक लगाते हुए कई रिकॉर्ड्स किए अपने नाम, धोनी को भी पीछे छोड़ा। पाकिस्तान से T20 सीरीज जीतने के बाद मोइन बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार। हेटमायर वेस्टइंडीज की T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर, समय समय फाइट नहीं पकड़ सकते, ब्रूस को मिला मौका। जयपुर में कल पठान गंभीर की भिड़ंत, गुजरात को हराकर फाइनल में भिलवाड़ा किंग्स, इंडियंस कैपिटल्स का होगा मुकाबला। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर, बीसीसीआई की मेडिकल टीम स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद लिया फैसला। विमेंस एशिया कप में भारत की दूसरी जीत, मलेशिया को डकवर्ड लुइस सिस्टम से 30 रन से हराया। विराट को तीसरे T20 से आराम, टीम इंडिया जीत चुकी है सीरीज, इंदौर में होगा साउथ अफ्रीका से आखिरी मुकाबला। मजामा की स्क्रीनिंग में लगा सितारों का मेला, बहन सुहाना खान के साथ पहुंचे आर्यन खान, कैजुअल लुक में आई नजर। धनुष और ऐश्वर्या ने टाला तलाक का फैसला, रिश्ते को दे सकते हैं एक और मौका, जनवरी में लिया गया था अलग होने का फैसला। डांडिया नाइट्स में पहुंचे रणबीर सिंह, अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से स्टेज पर मचाया धमाल, फैंस ने कहा सुपरस्टार। दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची जया बच्चन, मस्ती के मूड में दिखी काजोल, अयान और रानी मुखर्जी भी आए नजर। गुड बॉय रिलीज से पहले मेकर्स ने की बड़ी अनाउंसमेंट, रिलीज वाले दिन ₹150 में देख सकेंगे फिल्म। चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को बनाया नेशनल आइकन, एक्टर ने कहा कि जिम्मेदारी को निभाने की करूंगा पूरी कोशिश। शिल्पा शेट्टी ने शूट पहनकर किया वर्कआउट, मंडे मोटिवेशन देते हुए लिखा गेट फिट इन एनी आउटफिट। आशिकी 3 में कार्तिक की कास्टिंग पर राहुल रिएक्शन, एक्टर ने दी बधाइयां, बोले उनका फिल्म सिलेक्शन है लाजवाब। बायकॉट आदि पुरुष हुआ ट्रेंड, रावण बने सैफ अली, सैफ के लुक से निराश हुए फैंस, मुगल शासकों से किया कंपेयर। ओटीटी डेब्यू करेंगी उर्मिला मांडोटकर, सामने आया वेब सीरीज का पहला लुक, पोस्टर में अलग अवतार में दिखेंगी एक्ट्रेस। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।